इसलिए गर्व है क्योंकि हम हर वो काम कर सकते हैं जो एक लड़का कर सकता है। घर संभालना हो, ऑफिस संभालना हो, बच्चे संभालना हो या बाहर संभालना हो, हर एक काम हम वो कर सकते हैं, इसलिए हमें लड़की होने पे बहुत गर्व है और मेरे माँ बाप भी हम पर बहुत गर्व करते हैं। धन्यवाद। लड़के और लड़की नहीं पढ़ रही हैं, गांव में बाल विवाह कर दिया जाता है उनका, गांव में नहीं पढ़ती हैं उनका बाल विवाह कर दिया जाता है, वो नहीं समझते हैं, तो उनको किसी भी तरह से समझाना चाहिए कि आगे पढ़ाई करके उनको आगे लाओ। जैसे अब चार लोग का कोई चीज अगर देखा जाए, जैसे हम आज सिर्फ 2 किलोमीटर गए हैं, अगर 4 किलोमीटर पे पहुंच गए तो बदलाव तो होना ही होना है। मेरा नाम ख्याति है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ और मैं चित्रकूट से आई हूँ यहाँ पे अवार्ड प्राप्त करने के लिए। मैं चित्रकूट से आई हूँ, हम 6 बहनें हैं और मैं जब 5 साल की थी तो मेरी आंखों की रोशनी दिमागी बुखार की वजह से चली गई और मेरा जीवन अंधकार में हो गया। मैं बिल्कुल निराश हो गई, मुझे ये लगने लगा कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगी, मैं कैसे आगे बढ़ूँगी। तरह के मुश्किल के समय में मेरा सहयोग मेरी मम्मी ने किया, उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया और मेरे एडमिशन के लिए मुझे देहरादून ले गई। वहाँ पे मैं नहीं रुकी तो वो मुझे वापस ले आई और मुझे 6 महीने का ट्यूशन पढ़वाया एक स्पेशल टीचर से। मैंने 6 महीने तक पढ़ा और उसके बाद ब्रेल लिखना पढ़ना जब मैं सीख गई तो मुझे दृष्टि विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। वहाँ पर मैंने 8वीं तक ही पढ़ाई की, उसके बाद उसी हॉस्टल में रह के और एक नॉर्मल कॉलेज में, गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पे पढ़ाई करी। उसके बाद अब 11th में गंगा प्रसाद जनसेवा इंटर कॉलेज में मैं पढ़ रही हूँ। पहले मैं महिला समाख्या संस्था में किशोरी संघ में बैठती थी और वहाँ से सब दीदियाँ आती थी और मुझे जानती थी। उन्होंने जो ये गलाइकन फेलोशिप है इसमें, इसके फार्म आए थे ऑफिस में, महिला समाख्या ऑफिस सीतापुर में, वहाँ से मेरा नाम से फार्म भरवाया गया था और वहीं से मुझे गलाइकन अवार्ड फेलोशिप मिला है। तुम लोगों को ये लगता है लड़का और लड़की में कोई फर्क दिखते हैं? Thank you.
रहे थे कि हाँ देखो एक दो बार तो हम जैसे लड़कियों को अपने साथ ले गए, उनको करवाया, जैसे कि एक दो लड़कियों के पेरेंट्स ने उन्हें अच्छी तरीके से भेज दिया, तो जब उनके प्लेस पढ़ने लगी तो उनका स्थान कुछ आने जाने लगा जैसे कि, तो उन्होंने भी अपनी लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट दिया कि हाँ पहुँचने के लिए। लेकिन जब हम मिलान से जुड़े तो उन्होंने और ज़्यादा दिया, क्योंकि पेपर में फ़ोटो निकले, व्हाट्सएप नेट पे जो सबने देखा, तो उस पे उन्होंने और ज़्यादा सपोर्ट दिया कि हाँ भी लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए। ये थोड़ा दीदी ने मेरा सपोर्ट किया और फिर हमने अपने पापा से कहा, पापा भी मान गए। और बाद में हमारे पड़ोस में गांव में शादी हो रही थी, उनको भी रोका, तो अपने गांव घर के जो हमारे लोग थे बड़े बुजुर्ग लोग, उन लोगों से कहकर और बहुत निवेदन किया। पहले तो लोग कहते हैं ना खुद करती है ना करने देती है, पता नहीं कैसे कैसे हमको कह डालते हैं, आज भी अभी भी कहते हैं। हाय, मैं रजनी गलाइकन सीतापुर से। हाय, मेरा नाम खुशबू है और मैं लखनऊ से हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ। और मेरा काम है जो लड़कियाँ पढ़ने नहीं जाती हैं उन लोगों को पढ़ाना, और जो उन लोग वो अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को ये समझाना कि उन लोगों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे से पढ़ाएं। मैं रितु यादव हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट जौनपुर की रहने वाली हूँ और मैं मिलान से जुड़ी हूँ, एक गर्ल आइकन हूँ। और मेरे लिए शांति ये है कि मुझे स्वतंत्रता प्राप्त हो और मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं और मैं कुछ बन सकूं। मेरा नाम अकलीमा है, मैं वाराणसी में रहती हूँ, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ, मैं एक गर्ल आइकन हूँ। और मेरे लिए शांति ये है कि मेरे कार्यों से मेरे माता पिता खुश होते हैं। हाय, आई एम उस्मा और मैं वाराणसी से आई हूँ और मैं गर्ल आइकन हूँ। साथ चाहिए और ऐसा भी चाहिए कि जैसे शिक्षित लड़कियों के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है, वैसे ही अशिक्षित लड़कियों के लिए उन हुनर को देखा जाए जो जिससे वो शायद घर में ही जानती, उनके हुनर को निकालने के लिए मुझे एक ऐसा संसाधन चाहिए। रेगुलर जाते हैं आरएमपी डिग्री कॉलेज, अगर यकीन ना हो हमारे सीतापुर आरएमपी डिग्री कॉलेज में जो प्रोफेसर है या प्रिंसिपल है उनसे जाकर मालूम करिए, और जो 1 किलोमीटर है ये भी चेक कर सकते हैं आप लोग।